हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स में सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फोर्थ ऑफ जनवरी 2021 तो चार जनवरी 2021 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ है वो चालू हो गई है इसमें करंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा साथ में आपका इकोनॉमिक सर्वे का भी रिवीजन कराया जाएगा प्लस आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे देन रेगुलर हम गूगल मीट या सिस्को में लाइव सेशंस रखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा तैयार कर सकें फॉर द प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन सो दोज हुट टू जॉइन द यू पी रिवीजन सीरीज और अगर आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स वाला पार्ट वीक रह गया है या आप अच्छे से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द लिंक ज्वाइन द सीरीज़ फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दी हुई है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मूव करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट की, की तरफ पहले आज के सवाल देख लेते हैं आपको जिनके जवाब देने हैं पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट यू एस प्रेसिडेंट बराक ओबामा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द फर्स्ट यू मेडल टू बी बडेड टू सिटीजन्स ऑफ अदर नेशंस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है uh, one only, two only, both, या क्वेश्चन नंबर है। है? के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है ड्यूरिंग दिस इवेंट द सदर्न हेमिसफेयर एक्सपीरियंस इज द इस लॉन्गेस्ट डे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन दिस इवेंट रिफर्स टू द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण ठीक है ना तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत तो वन ऑनली टू ओनली बोथ तो अगर आपन इसका आंसर देखें ना तो इसका आंसर होगा वैसे सी बोथ दोनों ही सही हैं, क्योंकि पहला अगर आप देखो तो विंटर सोलिटेस में क्या होता है कि नदन हेमस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है स्मॉलेस्ट डे इन द नदन हेमिस्फेयर तो सदन हेमिसफेयर में क्या होगा सदन हेमिस्फेयर में उसका उल्टा हो जाएगा लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा सही है और ये आप पहला स्टेप में सही है दूसरा देखो वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो ये विंटर सोलिस्टेस है इस यहाँ से लेकर के जो, जो जनवरी वाला पीरियड रहेगा वो उत्तरायण का पीरियड होता है उत्तरायण है ना और इसीलिए जो आपका ये विंटर सोल्स्टिस है दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द उत्तरायण तो ये भी सही है दोनों स्टेटमेंट ही सही है तीसरा सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलोंग विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया हैज़ केम अप विद अपनिक यूनिक इनिशिएटिव फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स तो ये मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया भी हुआ है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स तो आपको बताना है कि इनमें से किस स्पीशीज के लिए स्पेशली ये किया गया है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर रेड हेडेड वल्चर गैंगटिक डॉल्फिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इंडियन पैंगोलिन तो अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था आपको कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए किया गया है ताकि उनको दूर से ही दिख जाए फायर डाइवर्ट कर ले और वहां पे उनकी डेथ ना हो तो दिस इज फ्रॉम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसलिए याद रखेगा फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर पहला सवाल जो था उसमें जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है क्यों गलत है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि लीजन ऑफ मेरिट जो अवार्ड है दैट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय रूजवेल्ट है ना नॉट बराक ओबामा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जिनके बारे में जानना है तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग बेसिकली रिसेंटली दे है प्रिपेयर अ बिल टू इनक्रीज द एज ऑफ शॉप कीपर्स सेलिंग सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम एट एट्टी वन एटीन ईयर्स टू ट्वेंटी वन तो uh, जो अभी सिगरेट्स uh, की लीगल एज ऑफ स्मोकिंग है वो 18 से बढ़ा करके इक्कीस साल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल प्रिपेयर किया है दूसरी जो न्यूज है वो थोड़ा बता दो कि मैंने आपको एक जी एच टी सी प्रोजेक्ट के बारे में बताया था जी एच टी सी क्या है आपका ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज बेसिक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज क्या है कि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि लगभग एक हज़ार घर बनाए जाएंगे वन थाउजेंड होम्स विल बी बिल्ट इन सच एज इंदौर राजकोट चेन्नई रांची अगरतला एंड लखनऊ कौन कौन सी सिटी में इंदौर राजकोट चेन्नई रांची अगरतला एंड लखनऊ याद रखेगा जी एच टी सी जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इसमें क्या है नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाउसिंग की जो समस्या है उसको दूर करना है न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है जैसे मैंने बताया था कि जर्मनी फ्रांस की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा और हाउसिंग की समस्या को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी आ, पहले कौन से सिटीज़ को चुना गया है इंदौर राजकोट चेन्नई रांची अगरतला एंड लखनऊ याद रखेगा इन सिटीज़ को चुना गया है इंदौर रांची एंड चेन्नई रांची अगरतला एंड लखनऊ इन सिटीज़ को चुना गया है अब आपको बताना था थोड़ा मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि ये जो अपने ने GHTC का ये प्रोजेक्ट देखा ना इसका नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स कहा जाता है तो ये भी थोड़ा बताना जरूरी था कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट अगर कभी आ गया तो आप कन्फ्यूज़ ना हो आप इसको याद रखिएगा अगली जो न्यूज है वो है इंडिया अप्रूव टू कोविड 19 वैक्सीन फॉर द इमरजेंसी यूज तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बेसिकली अप्रूवल दे दिया गया है इमरजेंसी यूज अप्रूवल अब देखो तो वैक्सीन तो 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 डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है कोविशील्ड को एंड दिस वैक्सीन सेवेंटी पॉइंट फोर परसेंट लगभग सत्तर परसेंट इसकी एफिशिएंसी है है ना तो ये आपको याद रखना है कोवैक्सीन जो है इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन द क्लिनिकल ट्रायल मोड तो इसको अप्रूव अप्रूवल दिया गया है फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन द क्लिनिकल ट्रायल मोड नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ्स आफ्टर द रोल आउट द फर्म हैज टू इन्फॉर्म ड्रग रेगुलेटर्स एवरी फोर्थ नाइट अबाउट द एडवाइस इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन तो पहले दो महीने में रोल आउट के जो रेगुलेटर्स हैं उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोवैक्सी द्वारा कि क्या एडवर्स इफेक्ट हैं इस वैक्सीन के अब एक्चुअली जो इसके डेटा थे बहुत कम थे है ना तो यही वाली बात बताई जा रही है कि वैक्सीन आउट बट डेटा मिसिंग इनका जो डेटा है वो इतना ज़्यादा है नहीं अवेलेबल बट फिर भी इनको एमरजेंसी यूज़ यूज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है तो नाउ दैट इज़ अनदर थिंग क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी वैक्सीन को रजिस्टर करते हैं लोग पर इतना ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए उनको वो नहीं होता लेकिन अब डेटा और कम है तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है दैट इज द थिंग दिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ गवर्नमेंट रोप इन आई टी डिपार्टमेंट टू क्रैक डाउन ऑन द जीएसटी फ्रॉड गवर्नमेंट ने क्या किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया है नाउ ताकि जो जीएसटी के फ्रॉडस्टर्स है जीएसटी में फ्रॉड कैसे होता है बेसिकली देखो फ्रॉड ऐसे होगा कि फेक इन वॉइस बनाए जाते हैं फेक इन वॉइस फेक बिल्स ये सब चीज़ें बना करके टैक्स क्रेडिट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका बेनिफिट उठाया जाता है और ये सारी चीजें की जाती है ठीक है ना तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जिसके थ्रू किया जाता है एनी इनकम ट्रेसेबल टू द यूज ऑफ फेक बिल्स तो लिखा हुआ है टू तो फेक बिल्स एंड एंड अदर फ्रॉड बी कंसील्ड इनकम अट्रैक्ट सीवियर पेनल्टीज तो वही इन्होंने कहा है कि जो भी इनकम इस तरीके की होगी जिसमें कि फेक बिल्स या फेक इन्वॉइसिस का यूज़ किया जाएगा फ्रॉड का यूज़ किया जाएगा वो कंसील्ड इनकम के अंदर अंदरगत आएगा एंड उसमें ज्यादा हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी दैट विल बी सो फॉर दैट रीजन नाउ द दे आर इंक्लूडिंग दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फेक बिलिंग फेक इनवाइस एंड द को जी एस टी फ्रॉड्स एंड ऑल है ना ताकि इसको कम किया जा सके दैट इज थिंग आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनका डिस्कस करना है आईओसी लॉन्चेस न्यू इनिशिएटिव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसने एक नया इन, इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है प्रयास ना व्हाट इज दिस प्रयास प्रयास इज द न्यू इनिशिएटिव बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसके थ्रू वो एड्रेस कर रहे हैं नीड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज नियर द फ्यूल स्टेशन आई यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फ्यूल स्टेशन के करीब जो भी लोकल कम्युनिटीज रह रही हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए प्रयास इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अब जैसे कि अभी हुआ क्या रिसेंटली डेली स्टेट में ही डेली स्टेट ऑफिस में के जो आई के लोग थे दे विजिटेड द नाइट शेल्टर्स लोकेटेड नियर द फ्यूल स्टेशन उनके फ्यूल स्टेशन के आसपास जो नाइट शेल्टर्स थे वहाँ उन्होंने विजिट किया और दे डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स दे रहे वहाँ पर क्या किया उन्होंने ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो याद रखिएगा एक इनिशिएटिव है प्रयास प्रयास इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसके थ्रू जो उनके फ्यूल स्टेशन के पास की लोकल कम्युनिटीज रह रही हैं उनके लिए बेसिकली ये एक एफर्ट लगाया जा रहा है टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दीज लोकल कम्युनिटीज रिसाइडिंग नियर देयर फ्यूल स्टेशन तो आईओसी तो के फ्यूल स्टेशन के पास की लोकल कम्युनिटीज को उनके नीड्स को पूरा करने के लिए इनिशिएटिव किया गया है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है सो यू कैन मूव विद मी नाउ वी हैव केम टू द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज पर जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे पहला वो है एन एंटी डिस्कलोजर अमेंडमेंट दैट हिट्स द पब्लिक हेल्थ अब देखो मैं बताता हूँ आपको सेंटर का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 याद रखिएगा पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 और इसमें उन्होंने बेसिकली जो डिस्क्लोजर एक एक डिस्क्लोजर फॉर्मेट होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है ऑथर का यह कहना है कि इस जो पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 में जो डिस्क्लोजर फॉर्मेट उसको अमेंड जो किया गया है उसने एक्चुअली में पूरा का पूरा जो फॉर्मेट का जो एम था उसको डाइल्यूट कर दिया है दिस इज़ व्हाट दी ऑथर सेज आगे मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ लेकिन पहले आप इसको समझ लो कि ऑथर क्या क्या, क्या क्या कहना है ठीक है ना अब देखो होता क्या है देर इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो पेटेंटीज जो है इंडिया में उनको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है अभी तक देखो उनको जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती थी वो सेक्शन uh, वन के अंतर्गत देखो यहां पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन फोर्टी सिक्स टू प्रोविजन नॉट फाउंड इन द पेटेंट लॉज ऑफ मोस्ट अदर कंट्रीज रिक्वायर्स एवरी पेटेंटीज एंड लाइसेंसीज टू सबमिट टू द पेटेंट ऑफिस एन एनुअल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एक्सटेंट टू विच दे है वर्कड द इन्वेंशन इन इंडिया अभी तक उनको क्या होता था जो पेटेंटीज हैं और जो लाइसेंसीज़ हैं, दे हैव टू सबमिट टू द पेटेंट ऑफिस उनको पेटेंट ऑफिस में जाकर के सबमिट करना पड़ता है क्या एक एनुअल स्टेटमेंट एनुअल स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेन करता है कि कितना उन्होंने काम किया है इंडिया में कितने उन्होंने ड्रग्स सप्लाई की कितना उन्होंने ड्रग्स का बेसिकली प्रोडक्शन किया है ना जो जिसका पेटेंट उनको मिला है तो बेसिकली इंडिया के पेटेंट लॉ में ये बहुत अच्छा इनोवेशन था जिसके अंतर्गत जो पेटेंटीज एंड लाइसेंसीज हैं उनको ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती थी द डिस्लोजर इज टू बी मेड इन द फॉर्म ट्वेंटी फॉर्मेट अब उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया था फॉर्म ट्वेंटी बोलते उसको ओके तो इंडिया ने पेटेंट लॉस के अंतर्गत एक फॉर्म ट्वेंटी सेवन बनाया था जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी थी टू द पेटेंटीज एंड द लाइसेंसीज ये आए थे पेटेंट रूल्स 2003 में अभी जो पेटेंट रूल्स आए हैं वो 2020 के उसके पहले ये जो ये जो फॉर्मेट था फॉर्म 27 का ये पेटेंट रूल्स 2003 में आया था ठीक है ना अब ये पेटेंट ऑफिस के पास ये इंफॉर्मेशन जाती थी जो भी आपके पेटेंटीज थे लाइसेंस थी लाइसेंसीज थे जो इन्वेंशन का काम करते थे इंडिया में तो उनको सारी इंफॉर्मेशन सफिशेंटली अवेलेबल करनी पड़ती थी है ना और उनको ये भी बताना पड़ता था कि उन्होंने कितना काम किया है इंडिया में कितना किस प्राइस पे अवेलेबल करा रहे हैं ड्रग्स को कितने ड्रग्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो बेसिकली जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो एक चीज़ चलता है इंडिया में कि कोई भी इंपॉर्टेंट ड्रग जो है उसका पेटेंट ऑलरेडी अवेलेबल कराना ज़रूरी है तो वो भी इसके थ्रू फुलफिल हो रहा था ना ये फॉर्म सेवनटीन जो था इसके थ्रू बेसिकली कहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्टली करती है इसको एंड ताकि जो पेटेंट में पूरी इंफॉर्मेशन पेटेंट के थ्रू डिस्कलोज की जाए एंड फॉर्म ट्वेंटी सेवन एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज एक्चुअली सफिशियंट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द पेशेंट पेटेंट तो पेटेंट कैसा काम कर रहा है उस सारी आपको फॉर्म ट्वेंटी से मिल जाती और आपको एक्चुअली में उस, उस पेटेंट बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं नाउ देर हैज बीन अ डिसक्लोजर ये डायल्यूशन ऑफ द डिस्कलोजर कैसे अभी एक पी गई थी दो बेसिकली पंद्रह में दो के आसपास एक पी डाली गई थी और उसके बाद इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को कोर्ट uh, ने ऑर्डर किया ऐसा ऐसा कुछ करने के लिए कि आप भैया उसको जो आपका पेटेंट का फॉर्मेट है फॉर्म ट्वेंटी सेवन उसको लीगलाइज़ करो उसको ये सब चीज़ें करो तो गवर्नमेंट ने उस समय इस बात को कहा कि ठीक है हम उसको करेंगे और बिल्कुल पेटेंट uh, की हम सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे बट हुआ क्या कि ये जब इस बार के जब उन्होंने अमेंडमेंट तो पेटेंट 27 में जो इन्फॉर्मेशन पहले जा रही थी फॉर्म ट्वेंटी सेवन को तो उसी का पूरा है कि वह डायल्यूशन हुआ है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं देखो कि कोर्ट ने उस पी आई एल को दो हजार अठारह में डिस्पोज कर दिया है ना एंड गवर्नमेंट को कहा कि भाई एंड दे डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द अमेंडमेंट प्रोसेस विद इन द टाइम कहा कि आप अमेंडमेंट करिए और और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्निश करवाइए तो यहां पे देखो इन नॉन कंप्लायस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर द गवर्नमेंट पब्लिश द अमेंडमेंट फॉर्म रिसेंटली तो अभी उन्होंने जो फॉर्म ट्वेंटी सेवन है वो पहले तो गवर्नमेंट ने 2018 में कहा था तो उन्होंने 2020 में किया मतलब दो साल का डिले कर दिया दे डिलेड द फॉर्म अमेंडमेंट फॉर टू ईयर्स न केवल डिले किया रादर इसके बाद उन्होंने और ज्यादा उसको वीक कर दिया फॉर्म ट्वेंटी सेवन को और ज्यादा वीक कर दिया अब देखो कैसे वीक कर दिया यहां पे लिखा है द फॉर्म नाउ रिक्वायर द पेटेंटीज एंड लाइसेंसीज टू प्रोवाइड ओनली फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वेदर द पेटेंट हैज बीन वर्कड और नॉट इफ द इन्वेंशन हैज बीन वर्कड द रेवेन्यूज और वैल्यू क्रूड इन द इंडियन इंडिया फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग द इन्वेंशन इन टू इंडिया एंड इफ इट हैज़ नॉट वर्कड रीजन्स फॉर द सेम एंड स्टेप्स बींग टेकन फॉर वर्किंग तो देखो पेटेंट का इंडिया में काम कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं यस एन नो देन उसका रेवेन्यू जितना आना चाहिए था उतना आ रहा है कि नहीं तो रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन और यस एन ओ तरीके से पूछना है कि पेटेंट का इंडिया में काम कर रहा है कि नहीं क्या ये सफिशियंट है क्या इज इट सफिशियंट यहाँ पे देखो दे आर नो लॉन्गर टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू क्वांटम ऑफ द इन्वेंशन मैनुफेक्चर्ड और इंपोर्टेड इन टू इंडिया कितनी क्वांटिटी में वो इन्वेंशन हुआ या वो पेटेंट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया या इंपोर्ट किया गया ये इंफॉर्मेशन अब नहीं ली जा रही अरे भाई अगर आपको ये देखना है कि कितना काम किया कितना नहीं किया कि तो आप उसकी वैल्यू देखेंगे ना आप उसकी क्वांटिटी देखेंगे ना कि भाई इंडिया में कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में कितना इंपोर्ट किया जा रहा है तो अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन आप मांग ही नहीं रहे हो पेटेंट से तो आपको

वो क्वांटम और द टोटल यूनिट्स ऑफ द इन्वेंशन मैन्यक्चर्ड या इंपोर्टेड होना चाहिए था वही फॉर्म सेवनटीन से आपने हटा दिया और तो तो ये जो जो पूरा पूरा जो है हो गया है Form 17, Form 27, sorry. है है पूरा 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 का का हो हो गया गया तो ना आपको क्वांटम यानी कि क्वांटिटी पता होनी चाहिए थी कि कितना पेटेंट वो मैन्युफैक्चर हुआ या कितना वो import हुआ है वो इन्फॉर्मेशन अब आप नहीं लेते हैं एंड दैट इज डाइल्यूटिंग द फॉर्म ट्वेंटी सेवन एंड पब्लिक हेल्थ अहरीड गैम्बल अब ये जो दूसरा आर्टिकल है बेसिकली ये लिखा गया है भारत बायोटेक और कोविशील्ड कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए ही फ्रॉम अप्रूविंग एन अनटेस्टेड वैक्सीन इज दैट इट मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ प्रॉपर फेज थ्री ट्रायल अगर आप अनटेस्टेड वैक्सीन को अप्रूव कर देते हो तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अल विल बी अनू एक्सपेक्ट वॉलिटियर टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रायल वेर देर इज ऑनली अ फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ बींग एडमिनिस्टर्ड द एक्चुअल वैक्सीन तो अब यह अनथिकल भी होता है कि अगर आपने अनस्टेड वैक्सीन में क्या करने लगे वॉलंटियर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कह दिया फेज

सो इट इज हार्ड टू इमेजिन वाई एन एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन फॉर दिस वैक्सीन्स वॉज हरीड दो तो वही वाली बात है कि इनके पास तो सफिशियंट टाइम था कि ये टेस्टिंग भी कर लें और ये सब भी कर लें तो भी इन्होंने नहीं किया एंड आप अब इनको एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हरीड वे में आपने दिया है और बहुत ज़्यादा ओपेसिटी रखी है क्योंकि इनका डेटा भी अवेलेबल नहीं है आपको यही नहीं पता कि कितना ये काम कर रही है कितना ये प्रॉपर है कि नहीं है तो जो कम्युनिकेशन गैप है जो कम्युनिकेशन गैप है टू द पब्लिक एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में इससे क्या होगा कि लोग और रजिस्ट करेंगे क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है नहीं और गवर्नमेंट ने कोशिश की नहीं कि पूरी इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकें लोगों तक तो इससे क्या होगा जो गैप है लोग और ज़्यादा रजिस्ट करेंगे और वैक्सीन लेने में और डिले होगा अगला जो है डोंट इग्नोर द वुमेन फार्मर्स अब ये है बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि सबसे पहले एम एस एसनाथन का एक कोट बोला है कि कई हिस्टोरियंस ने ये बोला कि जो अर्लियर एग्रीकल्चर था अर्लियर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो वुमेन ने ही प्ले किया किया था क्योंकि मेन जो थे वो तो बाहर वहां पे बाहर जाते थे सर्च ऑफ फूड में हंटिंग और इन सब के लिए तो एक्चुअली में जो कल्टीवेशन का स्टार्टिंग है अगर आप देखें तो दैट वाज डन बाय द वुमेन्स वो महिला महिलाओं द्वारा किया गया था ऑथर ने कहा है कि कॉमन मिस कंसेप्शन है इंडिया में अगर अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस देखो तो 73.2 परसेंट रूरल वुमेन जो है दे आर इंगेज इन द फार्मिंग एक्टिविटीज तिहत्तर दशमलव दो परसेंट जो महिलाएं हैं रूरल एरियाज की दे आर एक्चुअली इंगेज इन द एग्रीकल्चर बट अगर आप देखो कि लैंड लैंड होल्डिंग्स कितनी है तो वो केवल बारह दशमलव आठ परसेंट तेरह परसेंट के, के आसपास लैंड होल्डिंग है बहुत सारे कल्चरल रीजन्स हैं रिलीजियस रीजन्स हैं पेट्रीआर की आप जानते ही हैं कि वीमेन को ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं दी जाती है ठीक है ना? वीमेन आर नॉट गिवेन द ओनरशिप ऑफ लैंड और ये माना जाता है कि जो ये फार्मिंग है वो मैंस प्रोफेशन है दैट इज़ अ मैंस प्रोफेशन तो इंडियन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि 83 परसेंट एग्रीकल्चर लैंड जो है कंट्री का दैट इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड ओनली लेस देन टू परसेंट बाय द फीमेल काउंटर पार्ट है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है वो कहता है कि 83 थ्री परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लैंड इन द कंट्री इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स एंड लेस देसेंट बाई देर फीमेल काउंटर पार्ट ठीक है ना तो वुमेन जो है दे आर मोस्टलीफ्ट विदाउट एनी लैंड टाइटल्स इन देयर नेम एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द दे डेफिशन ऑफ फार्मर्स इसलिए क्या होता है कि जो वुमन है दे आर नॉट गेटिंग द लैंड टाइटल्स अब जब देख रहे हो पूरे कंट्री में केवल दो तीन परसेंट महिलाएं ही हैं दो परसेंट महिलाएं जिनके पास लैंड टाइटल्स हैं तो मतलब दे आर मोस्टली दे डोंट और इस कारण से दे आर आउट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बीइंग फार्मर इसलिए वो फार्मर की डेफिनेशन में भी नहीं आते हैं तो ऑथर का ये कहना है कि ये जो फार्मर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं और एक और चीज ऑथर ने ऐड की कि मोस्ट ऑफ द वेमेन आर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ठीक है ना सो वॉट हैपनिंग इज दैट दे आर फॉर्मिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द कैजुअल एंड लैंडलेस लेबरर्स इसी कारण से सिंस वो फार्मर्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं वॉट दे बिकम इज कैजुअल एंड लैंडलेस लेबरर्स वो लैंडलेस और कैजुअल लेबरर्स की डेफिनेशन में आ जाती हैं अब गवर्नमेंट भी क्या है बेसिकली इट इज नॉट सीइंग देयर प्रॉब्लम्स और उनको कल्टीवेटर एग्रीकल्चर रेबर बोर्ड बोल देगा लेकिन फार्मर नहीं बोलेगा गवर्नमेंट ठीक है ना और जब तक वो फार्मर का रिकॉग्निशन में नहीं आएंगी तब, तब तक वहाँ उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएंगे अब जब तक वो एग्रीकल्चर लेबरर रहेंगी या कल्टीवेटर नॉर्मल रहेगी बट फार्मर नहीं बन पाएगी तब तक उसको क्या होगा इट विल नॉट बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम उसके अलावा दे आर नॉट गारंटिड द राइट्स विच दे वुड अदरवाइज हैव बीन गिवन है ना फार्मर्स अगर उनको रिकॉग्नाइज कर दोगे तो उनको बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे बट दे विल नॉट बी गेटिंग दैट राइट क्योंकि उनको फार्मर बोला ही नहीं जा रहा है ठीक है ना लोन वेवर हो गया क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हो गए सब्सिडीज हो गई या कंपनसेशन टू द फैमिलीज हो गया अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो ऐसे में ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है अगर वो फार्मर की फार्मर की डेफिनेशन में आती बट वहां पर वो नहीं आ रही है सो दैट इज अ थिंग अब ऑथर ने इसके अलावा ये कहा है कि कई कई फैसिलिटीज हैं जो कि जेंडर्ड एक्सेस है कि मेल्स को है लेकिन फीमेल्स को नहीं जैसे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट है कैश फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स और फॉर पेइंग ऑफ ओल्ड ड्यूज या फिर अगर आप देखो तो इनपुट एंड मार्केट्स का जो एक्सेस है इट इज ऑल हैविंग अ जेंडर्ड एक्सेस एंड वुमेन फार्मर्स टू टू मार्जिनल इज़ एंड तो वुमेन जो फार्मर्स हैं दे हैव हैविन रिड्यूज टू बेसिकली मार्जिनल सेक्शंस एंड इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और वुमेन्स को उनके राइट देने की जरूरत दोगे, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री एज आज वेल एज वेल एज फॉर दैट इंटायर सेक्शन का सेक्शन उनके लिए तो अच्छा नहीं होगा मलयालम पोर्ट एनलिस अनिल पानाचूरन पासिस अवे तो याद रखेगा अनिल पानाचूरन ही वॉज अ मलयालम पोएट लिरिसिस्ट याद रखेगा मलयालम पोएट लिरिसिस्ट है इन ही हैज पास्ड अवे सो यू यू शुड बी नोइंग अबाउट हिम बनाना ग्रिट फॉर दैट गुड गट फीलिंग अब यहां पे आपको बता दूँ कि साइंटिस्ट हैं जो सी एस आई आर एन आई आई एस टी के वॉट इज दिस सी एस आई आर एन आई आई एस टी इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसने केरला में एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको बनाना ग्रिट बोलते हैं बनाना ग्रिट या बनाना ग्रेन्यूल्स याद रखेगा बनाना ग्रिट या बनाना ग्रेन्यूल्स एंड इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द निंड्रन बनाना जो फेमस निंड्रन बनानाज हैं वहाँ से उसको बनाया जा रहा है नाव इट इज एन आइडल इन्ग्रीडियंट फॉर अल्दी डाइट है ननाना ग्रिट या बनाना ग्रेन्यूल जो है एक इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट है फॉर द हेल्दी डाइट एंड बनाना ग्रिट कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिशेज एज वेल है तो मुझे तो नहीं पता कौन सी डिश बनती है लेकिन ठीक है इन्होंने लिखा है अपन इनको मान लेते हैं ठीक है ना एंड देर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्स इन बनाना रिपोर्टेड टू इम्प्रूव गट हेल्थ गट हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है तो दैट इज अनदर थिंग जो कि आपको जानना जरूरी है कि वही सिले ऊपर हेडिंग में लिखा गया था कि, कि आपकी गट फीलिंग को इम्प्रूव कर देगा अपन बोलते हैं ना वेरी गट फीलिंग कह रही है तो गट की हेल्थ को इंप्रूव करना अगर आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू यूज दीस बनाना ग्रिट्स आपको ये बनाना ग्रिट्स या बनाना ग्रेन्यूल्स लेने पड़ेंगे ठीक है ना इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी अह यहां पे ये भी याद रखना कि किसने बनाया है एनआईआईएसटी ने बनाया है एंड इसका जो ये सीएसआईआर की एक लैब है ठीक है ना ये भी आपको याद रखना है और एक्चुअली में क्या होता है कि जब पेट से खाना निकलता है ना तो वो गट के थ्रू ही पास होता है ना याद रखना कि ये, ये गट क्या होता है गट की जो है वो बेसिकली फूड पासिस थ्रू इट व्हेन इट लीव्स योर स्टमक जब आपका पेट छोड़ेगा ना खाना तो उसके बाद वो गट के थ्रू ही पास होता है तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए निंड्रन बनानास का यूज़ किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए कि निंड्रन बनानास है है ना तो निंड्रन बनानास भी याद रखेगा इसमें थोड़े से एक दो फैक्ट और ऐड कर लो कि जो आपके ये नेंडन बनाना है इनको चिंगाली कोंडन नेंडन बनाना बोलते हैं दे हैव बीन गिवन जीआई टैग एज वेल इनको जीआई टैग भी दिया जा चुका है याद रखिएगा एंड uh, यहां पे एक और चीज बता दूं कर्नाटक में एक ऐसी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है रोज अनियन उसको भी कर्नाटका के लिए जीआई टैग मिला है ये जो हैं इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हम मैंने बताया आपको इसको बोलते हैं चिंगाली कुंडम नेंड्रन बनानाज और इनको भी जी टैग मिला है फॉर द केरला और नेंड्रन बनाना फाइंड इट्स टिपिकल यूज इन केरला डिशेज लाइक अवियल एंड थोरन यहां पे देखो दो, दो डिशेज के नाम लिखे अवियल एंड थोरन तो अगर आपसे कभी यूपीएससी केवल यही पूछ ले कि अवियल एंड थोरन क्या है दे आर द केरला डिशेज याद रखेगा अवियल एंड थोरन आर बेसिकली द केरला डिशेज अब यहाँ पे अगले पेज में आते हैं तो इंडिया जर्नी टू फाइव ट्रिलियन क्लब जो लिखा है इसमें लिखा है कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंटली टू पॉइंट नाइन टू ट्रिलियन डॉलर पे है 2.92 ट्रिलियन डॉलर और 2024 में इंडिया अगर आ, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहता है तो इसके लिए हमको 9 परसेंट जी की ग्रोथ चाहिए कंटिन्यूसली अभी से ठीक है ना तो और इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो गवर्नमेंट है जो फाइव ट्रिलियन चाहता है फाइव ट्रिलियन डॉलर उसमें से तीन ट्रिलियन डॉलर तो वो सर्विस सेक्टर से आता है एक ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग से और एक ट्रिलियन डॉलर वो एग्रीकल्चर से चाहता है तो ये भी आपको बता दे इसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट ऑथर ने बताई है कि गवर्नमेंट जो है इंकरेज कर रहा है कि इसको स्कीम्स बूट बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एम एस एम ईज आर मार्ग एटीन थाउजेंड करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट एफ डी आई इज मिशन टू इंप्रूव एक्सपोर्ट एंड बूस्ट एक्सचेंज इन रिटर्न ठीक है ना इसके अलावा वुमेन ड्राइविंग ग्रोथ ऑथर ने एक और चीज़ कही कि अगर आप विमेन का देखें तो टोटल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो 25 से 26 परसेंट के आसपास आता है तो अगर ऐसे में आप एक ऐसी पॉपुलेशन को जो आपकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 50 परसेंट है उसको मिस आउट कर देंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और आई ने ऑलरेडी कहा है कि तो अगर आप विमेन को प्रमोट करते हो इन द इकोनमी तो उससे आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है ठीक है ना सो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट हमको समझने की जरूरत है आगे मूव करते हैं एक और चीज़ को था था कि इंडिया इंडिया जो है 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 वो economy, आप सबको ये पता ही हाईएस्ट ब्रिटेन हम हम पहले पीछे पीछे कर चुके थे फिर से पीछे हो गए। फूड अब एफ एस एस ए आई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने कैप कर दिया है द अमाउंट ऑफ फैटी एसिड जो है उनके अमाउंट को फिक्स कर दिया है कैप कर दिया मतलब टोटल की खाने में कितना ज्यादा से ज्यादा फैट हो सकता है तो अभी तक ये लिमिट जो थी पांच परसेंट की थी अप टू नाउ दिस वाज लेकिन अब कहा है कि 2021 में तीन परसेंट पे लाना है 2022 में दो परसेंट पे लाना है और डब्ल्यू ने कहा है कि 2023 तक इसको एलिमिनेट करना है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू दे हैव कॉल्ड फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसफैट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी याद रखेगा कि ट्रांस फैट इस जो टीएफए आता है ट्रांस फैटी एसिड वो आपका ये आपका एलडीएल कहलाता है यानी एलडीसी कहलाता है लो डेंसिटी एलडीएल कहलाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन याद रखिएगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको एंड इसको या एक और चीज याद रखिएगा कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है दिस इज नोन एज योर बैड

2022 में दो परसेंट आपको ट्रांसफेटी परमिशन रहेगी अभी तक स्टेट्यूटरी बॉडी है, है, है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू बनाई गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इसकी हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है अगर आप इसका जेनेसिस देखो तो ये एफ एस एस ए आई एक्ट दो हजार के थ्रू बना था और बहुत सारे एक्ट्स को रिपील करके बना था जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, फोर्टी एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन एक्ट 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992, तो ये भी आपको याद रखना है एंड ये एक्ट याद रखना प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ये भी एक्ट याद रखना कुछ काम इसके जो इंपॉर्टेंट है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स डेवलपिंग सेफ फूड प्रैक्टिसेस लाइसेंसिंग फूड बिज़नेसेस इंश्योरिंग कंप्लायंस थ्रू इंस्पेक्शन टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड्स ट्रेन एंड बिल्ड कैपैसिटी सिटीजन्स आउटरीच तो बेसिकली क्या क्या काम करता है फूड प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड सेट करना सेफ फूड प्रैक्टिस बनाना लाइसेंसिंग द फूड बिजनेस इंश्योरिंग कंप्लायस थ्रू इंस्पेक्शन टेस्टिंग द फूड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग द कैपेटी तो ये भी आपको याद रखना है दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी चाइना अमेंड्स द डिफेंस लॉ टू बूस्ट वॉर प्रिपेयरनेस अब यानी कि जी जिनपिंग ने क्या किया है थोड़ा उन्होंने डिफेंस लॉ को बूस्ट डिफेंस लॉ को अमेंड किया है ताकि और पावर वो गेन कर सकें एक्चुअली में होता क्या है कि चाइना के अंदर एक कमीशन है जिसका मूल था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जिसको कि जी जिनपिंग ही हेड करता है ठीक है ना मतलब वहां का जो मेन रहता है वो जी जिनपिंग उसको हेड करता है चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो उसको हेड करता है तो ये आपका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को और ज्यादा पावर देने के लिए चाइना ने अपने नेशनल डिफेंस लॉ को अमेंड किया है बेसिकली पूरी की पूरी पावर सी एम सी यानी कि आपका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उसके पास जा रही है अब डिफेंस रिलेटेड एंड दे आर बेसिकली मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द न्यू

द अमेंडमेंट इसके थ्रू क्या होगा चाइना ने क्या बोला है देखो यहां पे लिखा हुआ है द अमेंडमेंट हैज द स्कोप ऑफ की सिक्योरिटी फील्ड बियॉन्ड द लैंड बॉर्डर्स मतलब लैंड बॉर्डर्स को छोड़ करके और ज्यादा सिक्योरिटी के उन्होंने एस्पेक्ट्स को पकड़ा जैसे कि मेरी टाइम एंड एयर डिफेंस दे विल ऑल्सो इंक्लूड आउटर स्पेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क आउटर स्पेस से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क तक को इंक्लूड कर दिया है इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाइना विल पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल सिक्योरिटी गवर्नेंस, दे विल ज्वाइन मल्टीलेटरल सिक्योरिटी टॉक्स एंड दे विल पुट पुश अप फॉर सेटिंग अप इंटरनेशनल रूल दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड फेयर एंड रीजनेबल। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो इंटरनेशनल रूल्स बनाएंगे जिसको एक्सेप्ट कर वाइडली एक्सेप्टेबल होगा ये होगा वो होगा ठीक है ना स्कॉटलैंड मस्ट वेट अ जनरेशन फॉर न्यू वोर्ट यहाँ बोरिस जॉनसन ने कहा है बेसिकली कि अगर आप एक बार रेफरेंडम ऐसे भी हुआ था स्कॉटलैंड में जो कि फेल हो गया अलग होने का तो उन्होंने यह कहा था कि बेसिकली अगर एक बार रेफरेंडम फेल हो जाए तो बार बार नहीं करना चाहिए एटलीस्ट एक जनरेशन में एक बार ही होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए सो दट इज इट फॉर द डे फ्रेंड आई होप यू लेटर वीडियो प्लीज डू एक्शन सब्सक्राइब कीप लविंग शेरिंग थैंक यू एंड ए नाइस डे